हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन, आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, या आप इसको कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आज हम पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है पीरियड्स में, और इसका ग्रुप्स में क्या कॉन्सेप्ट है, और किस फैक्टर पे ये डिपेंड कर दिए। इंशाल्लाह सारा डिटेल से हम इस लेक्चर को समझेंगे। उसके बाद आप ये भी इस लेक्चर में समझेंगे कि मेटल्स में क्या कॉन्सेप्ट है और नॉन मेटल्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, या एसिड में और बेस में क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ टेस्टों में ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आपको सीधी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का स्टेबिलिटी नहीं पूछते, लेकिन वहाँ आपको क्या करते हैं कि आपको बेस दिए जाते हैं या आपको एसिड दिए जाते हैं कि इसमें क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो पहले लेक्चर में, इससे लेक्चर में पहले हमें क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा सा हम उसको रिव्यू करके जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ऐसी एबिलिटी होती है जो एक एटम से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, या आप उसको कह सकते हैं कि खींचने की एबिलिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। टेंडेंसी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट पेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जस्ट आपको कोवेलेंट बॉन्ड में मिलेगा, आपको वो आयोनिक बॉन्ड में नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो अट्रैक्शन भी करती है, शेयरिंग भी करती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा है कि वहाँ शेयरिंग होती है, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि वहाँ आप ट्रांसफरिंग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, मीन्स एक एटम से दूसरे एटम से आप क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ट्रेंड होता है वो पीरियड्स में क्या होता है कि इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है कि आपने देखा है कि पीरियड्स में, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीरियड्स में जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा होती है पीरियड्स में न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप जो ऑर्बिटल्स, यहाँ आप उसके शेल कह सकते हैं एटम्स में, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब हम समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब देखें कि ये एक एटम है, ठीक है, एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बांधे हुए होते हैं। क्यों बांधे होते हैं, क्योंकि आप देखें कि यहाँ क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस से बांधे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हमें जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। यहाँ मीन्स यहाँ देखें कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसमें फोर्स क्या है, ज़्यादा फोर्स है, तो इस फोर्स में हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना, हमें आसानी से नहीं निकाल सकते, मीन्स इजी तरीके से हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फोर्स लगाएंगे, एक ऐसी एनर्जी देंगे जो हमें, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, मीन्स हमें आसानी लगे, तो इस फोर्स मीन्स जो एनर्जी हम देंगे उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएगा वो कहाँ जाएगा, एक इन्फिनिटी में जाएगा। इन्फिनिटी को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ इज इक्वल के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड आर स्क्वायर। अब यहाँ देखें कि एफ क्या है, एफ एक फोर्स है, उसके बाद के किसको शो करा है, के एक कांस्टेंट है,
उसके बाद Q1 एंड Q2 क्या है कि Q1 एंड Q2 ये चार्ज है, ये चार्ज किसकी चार्ज है, एक प्रोटॉन्स की चार्ज, दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, और उसके बाद ये जो रेडियस डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि इसका मीन्स फोर्स हम कैसे मालूम करते हैं। तो अब हम आयनाइजेशन की डेफिनेशन को हम लिखें, तो आयनाइजेशन डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम टू इंफिनिटी। तो इस डेफिनेशन को आप समझें कि मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमें टू रिक्वायर्ड रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये जो आउटर मोस्ट वाला शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें मीन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये जो थ्री वायर्स हैं, इस थ्री वायर्स को समझें कि आइसोलेटेड एटम से न्यूट्रल गैसेस एटम, आप देखें कि जो सॉलिड में आइसोलेटेड मींस एक एटम, जो सॉलिड मींस एटम्स होते हैं वो एक एटम्स नहीं होते, वो एक दूसरे से बांधे होते हैं, और उसके बाद न्यूट्रल मींस जो एटम हो उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, उसके बाद मींस गैसेस में हो, गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं इसलिए हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर दूर नहीं होते, मींस एक ही जगह पे होते हैं, उसको हम मीन्स नहीं निकाल सकते। तो इस डेफिनेशन से समझें कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड रिमूव वैलेंस शेल, मीन्स हम जो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वो किस शेल से निकालेंगे, लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, उसके बाद वो आइसोलेटेड एटम में हो, मीन्स एक ही एटम्स में हो, न्यूट्रल गैसेज भी जो मीन्स न्यूट्रल हो, उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो ना नेगेटिव चार्ज हो, उस एटम्स के में हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम समझेंगे एक इक्वेशन से इसको, आयनाइजेशन एनर्जी को समझें। ये क्या एक एटम है, इस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब हम इस इक्वेशन से एक एटम को इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम प्लस बन जाएगा, और उसके बाद डेल्टा एच। अब देखें कि इस एटम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो ये चार्ज किस पे आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्योंकि हमारे पास मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो उसके बाद ये डेल्टा एच क्या है, इस डेल्टा एच को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन की जो हीट है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं, और इस हीट को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये डेल्टा एच जो मीन्स हीट होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव होती है और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखेंगे मीन्स ये दो किस्म की होती है, एक होती है नेगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव होती है। अब देखेंगे यहाँ क्या हो रही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज होती है, और इसमें क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और उस जो हम एनर्जी मीन्स देते हैं एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो मीन्स हम जब एनर्जी देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। जब हमें एनर्जी मीन्स लेते लेते हैं देते नहीं है, जब हम एनर्जी किसी एटम से लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है।
और यहाँ अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, यहाँ आपसे कोई पूछता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी में होती है वहाँ पॉजिटिव मीन्स हमें क्या आइंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव आइंस होती है, मीन्स यहाँ जो एनर्जी होती है वो हीट होती है वो डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है, तो अगर आपने ये लिख लिया तो मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन्स में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट होता है। उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किस में ट्रांसफर करेंगे, किलो जूल पर मोल में इसको आप ट्रांसफर करेंगे, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट मिलेगा वो आपको यूनिट ये मिलेगा। तो अब हम ये सब हमने समझ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद इसका यूनिट क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे यूज करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको मीन्स हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उसको कहते हैं, मीन्स एक एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स जब हम रिमूव करें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और थर्ड टाइप्स की उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मीन्स एक एटम से जब हम थ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब देखें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हम कहते हैं, ये एक मैग्नीशियम एटम है, ठीक है, इस मैग्नीशियम एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो ये मैग्नीशियम एटम इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और प्लस में वन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन फर्स्ट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ देखें कि इसे मैग्नीशियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गई और उससे इलेक्ट्रॉन्स एक निकल गया, रिमूव हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ देखें, जब आप इस मैग्नीशियम एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, जब आप इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो इस मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स इससे रिमूव हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कहते हैं। जब आप इसी मैग्नीशियम एटम से जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो इस पे टू पॉजिटिव चार्ज देखें, जब हम इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो इससे मीन्स क्या हो जाएगा, थ्री पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ये आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब स्टेबिलिटी आप देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में है और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस में यूज हुई है, तो वहाँ देखें कि जो ये जो मैग्नीशियम एटम है, इस मैग्नीशियम एटम से हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिमूव किया, मींस पहले ये मैग्नीशियम एटम से हमने क्या क्यों ऐसा मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऐसी एनर्जी दी जो हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, यहाँ रिमूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज में आ गया। ठीक है, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन्स इससे रिमूव करें तो मींस पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है तो आप दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मींस ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हम इससे भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो मींस फर्स्ट से जो एनर्जी ज़्यादा होगी वो सेकंड में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हमने इससे टू प्लस मींस दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, इस एनर्जी से इस एनर्जी मींस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में
जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। लेकिन फर्स्ट से सेकंड में आयनाइजेशन एनर्जी जो एनर्जी यूज हुई वो मीन्स ज्यादा हुई किससे, फर्स्ट से। लेकिन जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे मीन्स इससे पहले ही हमने क्या किया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते मीन्स कर लिए हैं। जब आप थ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो इसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से ले सकता हूं कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 700 के करीब होती है, ठीक है। तो इसकी जब आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी कितनी होती है, इससे डबल हो जाती है, 1400 हो जाती है, ठीक है। जब आप थर्ड मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं तो आपको डबल नहीं होती, लेकिन वो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसका क्या है, कितनी एनर्जी होती है, डेल्टा एच 7000 होती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक शॉप पे जाएं, वहाँ मीन्स एक कपड़े की शॉप पे, जब आप उस कपड़े की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आप एक कपड़ा लेंगे मीन्स आपको जो पसंद आएगा, तो आपने वहाँ क्या किया, 700 दिए उस कपड़े के, ठीक है। जब आपने वो कपड़ा लिया तो उसके आपने कितने दिए, 700 दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको वो कपड़ा अच्छा लगा तो आप मीन्स फिर से उसी शॉप पे जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई मुझे ये कपड़ा सेम ही दें जो मैंने लेके दिया था, ठीक है। जब आप उसको 700 देंगे तो वो आपको कहेगा नहीं, अब 700 मुझे नहीं चाहिए इस कपड़े के, मीन्स डबल फीस होगी, क्या होगी, डबल फीस होगी इसकी, कितनी है, 14, ठीक है। तो इसकी फीस हो गई, डबल हो गई, तो आपको वो तो चाहिए क्योंकि आपको वो पसंद है, तो आप उसको डबल फीस देकर वो मीन्स देंगे। तो यहाँ भी समझें कि इसने हमने यहाँ क्या किया, डबल एनर्जी यहाँ दी तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन सेकंड भी लिया। तो जब आप घर जाएंगे तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आप जब कहेंगे कि मुझे एक और जोड़ा चाहिए तो आप उसी शॉप पे जाएंगे, जब आप उस शॉप पे जाएंगे तो आप उसको कहेंगे भाई पहले मैंने कपड़ा लिया था तो आपने डबल फीस ली थी, तो मैं आपको उतने ही पैसे देता हूँ तो मुझे ये कपड़ा दें। लेकिन वो क्या कहेगा आपको कि आपने उसमें तो डबल दी, लेकिन यहाँ इसकी डबल नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा होगी, मीन्स 7000 होगी, तो आपको तो वो कपड़ा लेना है, तो आपको इतने ही पैसे देंगे जितने वो मांग रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ लें कि मीन्स जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में करते हैं, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में। मैं आपको अगर आपने नहीं समझा तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 3 समोसे लिए क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक में आपने कितने 3 समोसे लिए हैं। जब आपने 3 समोसे लेकर क्लास में जा रहे हैं तो गेट पे आपको एक दोस्त मिल जाता है, तो वो आपको क्या कहता है कि मुझे ये समोसा दें, ठीक है। वो कहेगा कि मैं नहीं देता, लेकिन आप उस पर फोर्स लगाएंगे कि एक मुझे चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है चलो मेरे पास दो और हैं ये मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसके साथ मीन्स फोर्स लगा के एक समोसा लिया, लेकिन जब आप वही बंदा क्लास से थोड़ा अंदर जाएगा तो दूसरा बंदा उसको कहेगा कि एक समोसा मुझे भी दे दो, लेकिन वो कहेगा कि मैंने एक और पहले ही दे दिया है, तो मैं, मेरे पास दो हैं तो मैं कैसे दूं, लेकिन उसको मीन्स पहले से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको वो समोसा लेने में, ठीक है। तो जब आपने उस बंदे ने वो दूसरा बंदा समोसा लिया, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो उसके साथ तीसरा फ्रेंड आ जाएगा, कहेगा कि ये समोसा मुझे दो, वो कहेगा पहले ही मैंने दो दिए हैं लेकिन मेरे पास एक बार रहता है तो मैं ये कैसे दूं आपको, मीन्स जब वो तीसरा बंदा होगा उसको मीन्स ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसको उस समोसे लेने में। यहाँ आप इस समझें कि ये जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मीन्स हमें क्या करना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे मीन्स ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें यूज होती है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में होती है, मीन्स थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
उसके बाद हमें ज़्यादा एनर्जी किस स्टेप में देनी होती है कि जो सेकंड स्टेप है, मीन्स जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हमें फर्स्ट एनर्जी से सेकंड में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो उस स्टेबिलिटी में सेकंड कौन सी आएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है और हम सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस में यूज करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि फैक्टर्स इस पे, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके बाद हम वेरिएशन समझते हैं कि ग्रुप्स में वेरिएशन क्या है और पीरियड में क्या है। तो अब हमें क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर इसके क्या है, किस फैक्टर पे मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर इसका जो है वो है साइज। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि फैक्टर्स मीन्स साइज से इसका क्या रिलेटेड है। तो आप देखेंगे जितनी मीन्स साइज ज्यादा होगी तो उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी हम कम यूज करेंगे। मीन्स देखेंगे ये दो एटम्स हैं, ये एक एटम है, इसमें मीन्स एक शेल है, और उसके बाद ये जो सेकंड एटम है इसमें कितने शेल हैं, थ्री शेल हैं। तो आप अपना माइंड लगाएं कि इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगाएंगे या इसमें ज्यादा लगाएंगे। तो देखें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ये मीन्स शेल जो है वो करीब है किससे, न्यूक्लियस से, लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल क्या है, न्यूक्लियस से मीन्स ज्यादा दूर है। तो जो दूर होगा उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजिली मीन्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो शेल न्यूक्लियस से मीन्स वो क्या होगा कि जो ज़्यादा करीब होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो मीन्स साइज के इसका जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मीन्स जितनी साइज ज्यादा होगी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी को हम कम यूज करेंगे। मीन्स जितनी साइज एटम्स की कम होगी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या करेंगे, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें यूज करनी होगी। किस में यूज करनी होगी, हम इसको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, मीन्स इसमें हमें एनर्जी ज्यादा देनी होगी। और ये जो मीन्स जिस एटम्स की साइज बड़ी है उसमें मीन्स क्या है, शेल ज्यादा है, शेल ज्यादा है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है मीन्स वो दूर दूर है, तो उसको इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नहीं होगा जितना इस एटम्स में होगा। तो मीन्स सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी यूज करेंगे वो कम साइज में करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो फैक्टर है उस फैक्टर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सेकंड फैक्टर इसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है कि न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटम्स में, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो अट्रैक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज होती है। न्यूक्लियर चार्ज किस में होती है, न्यूक्लियस में होती है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव मीन्स, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, जेड से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें कि एक एटम है, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इसमें कितने थ्री प्रोटॉन्स हैं और इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, सिक्स प्रोटॉन्स हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो सिक्स प्रोटॉन्स हैं इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या थ्री प्रोटॉन्स वाले एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो मीन्स यहाँ जो जो हमें एनर्जी देनी होगी, मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो मीन्स हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इससे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इस मीन्स ये जो एटम है और दूसरा ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है
और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, उसमें इतने प्रोटॉन्स नहीं है जितने इस एटम में प्रोटॉन है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो मीन्स हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो इसको आप ऐसे समझे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। मीन्स जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी इतनी ज्यादा हम एनर्जी देनी होगी। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर इसका है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बुक में जो पढ़ा है बुक में जस्ट यही दो फैक्टर पढ़े होंगे। थर्ड जो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है कि मींस जिस एटम की ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी, उस जिस एटम की ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मींस ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का चैप्टर लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वो दो किस्म की होती है। वो कितने किस्म की होती है, दो किस्म की होती है, एक होती है हाफ फील्ड और दूसरी होती है फुल फील्ड। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो हाफ फील्ड होती है वो भी स्टेबल होती है। अब इस दोनों में से आपको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इजी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिग्रेशन जब आपकी ये इस एटम्स में आएगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब हाफ फील्ड कौन से होते हैं ये देखें कि जो पी थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाफ फील्ड होते हैं, और उसके बाद पी फाइव, उसके बाद एफ सेवन, इसको हम क्या कहते हैं, हाफ फील्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाफ फील्ड सब शेल कहते हैं। और फुल फील्ड कौन से होते हैं, पी सिक्स, उसके बाद डी टेन, उसके बाद एफ फोर्टीन, लेकिन एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आ सकते। तो आप इसको ये दोनों समझ लें कि पी में मीन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, और डी में टेन होंगे तो वो कितनी होगी, स्टेबल होगी ज़्यादा। अब देखें कि हम एक एग्जांपल देते हैं, तो ये जो पी के ऑर्बिटल्स हैं थ्री होते हैं, मीन्स पी थ्री, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मीन्स इजी इलेक्ट्रॉन से इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ठीक है, ये हो गए इसके इसके पी थ्री के, और जो मीन्स डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है, जब आप इसके फाइव इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, मीन्स ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, लेकिन मीन्स ये क्या है कि ये स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो आप इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मीन्स आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन मीन्स ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इस इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल से रिमूव करने के लिए। मीन्स ऐसे समझ लें कि हाफ फील्ड मीन्स ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इससे हम मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या है, इसमें फैक्टर है। उसके बाद कौन सा फैक्टर आता है, उसके बाद जो फैक्टर आता है तो जो फोर्थ इसका फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, सबशेल का होता है। सबशेल, सबशेल कौन से होते हैं, एक होता है एस, उसके बाद होते हैं पी, उसके बाद डी, उसके बाद क्या होता है, एफ होता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो आपका एस होता है। एस क्यों होता है, क्योंकि ये जो एटम है इसमें एस जो सबशेल है वो एटम से क्या है, ज़्यादा मीन्स करीब है, तो ज़्यादा करीब है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा,
तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एस जो सबशेल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद पी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। एफ मींस क्या है कि लास्ट वाला लास्ट में हो गया, उसके बाद डी मींस उससे थोड़ा सा क्या है करीब है, तो मींस डी से क्या है ज़्यादा स्टेबल है, किससे एफ से स्टेबल है। तो आपको क्या करना होगा कि मींस जब आप एस से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी बिटवीन द पी से, मींस उसके बाद आप पी से इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी डी से। सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं जो हमें देते हैं वो एस में देते हैं। क्यों देते हैं तो देखें कि हाइब्रिडाइजेशन में इसका शेप क्या होता है कि ऐसे शेप होता है, मींस इसमें जो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इसमें क्या होगी ज़्यादा स्टेबल, मींस हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। उसके बाद आपने देखा है कि पी का जो शेप होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, तो मींस आप समझ लें कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए कि मींस इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो गए, तो इसमें मींस इलेक्ट्रॉन्स हम इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं एस से, ऐसे ज़्यादा मींस हम इससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने डी का जो देखा है कि डी का कैसे होता है, ऐसे होता है, तो आप देखेंगे डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, डी में शेल जो है वो ज़्यादा मींस क्या है न्यूक्लियस से दूर दूर हैं, तो उस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में इतनी एनर्जी नहीं देनी होगी जितनी हमने एनर्जी दी एस और पी में। तो सबशेल का आपने फैक्टर पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन मींस पीरियड्स में इसका वेरिएशन क्या है, ट्रेंड क्या है, और ग्रुप्स में इसका ट्रेंड क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन मींस ट्रेंड क्या है पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या है आयनाइजेशन का वेरिएशन। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट हम पीरियड्स में देखेंगे कि पीरियड्स में क्या है ट्रेंड इसका, वेरिएशन इन अलॉन्ग द पीरियड। तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट के वह होते हैं किसको, उसको हम क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं, लेकिन जो डाउन द ग्रुप्स होते हैं पीरियडिक टेबल में उसको हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं, मींस टॉप टू बॉटम उसको हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ देखेंगे आपका फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, लिथियम है, उसके बाद आपका बेरिलियम है, उसके बाद आपका बोरान होगा, कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका आएगा फ्लोरीन, उसके बाद आपका आएगा नियान आएगा। यहाँ देखेंगे लेफ्ट टू राइट आपकी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट आपकी न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही आपकी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो मींस न्यूक्लियर चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो मींस हमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। तो मींस आपका जो वेरिएशन लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में होता है वो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वेरिएशन में लेफ्ट राइट आयनाइजेशन इंक्रीज होती है। अब हम समझेंगे कि ग्रुप्स में इसका वेरिएशन क्या है और ग्रुप्स में इसका ट्रेंड क्या है। तो अब हम समझेंगे वेरिएशन इन अलॉन्ग द ग्रुप मींस ग्रुप्स में इसका ट्रेंड क्या है। अब हम ट्रेंड पढ़ेंगे कि ग्रुप्स में इसका ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, मींस हमने लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में तो देख लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज होती जा रही है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब ग्रुप्स में देखें कि ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ग्रुप्स जो होते हैं पीरियडिक टेबल में वो टॉप टू बॉटम्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं, मींस टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट इसको हम क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। फर्स्ट मींस ग्रुप का एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं लिथियम कहते हैं, उसके बाद सोडियम कहते हैं, उसके बाद फोर्थ में कौन सा आता है आपका पोटेशियम आता है, उसके बाद आता है रुबिडियम, उसके बाद सीजम आता है। तो देखें जैसे जैसे मींस लेफ्ट टॉप टू बॉटम आप नीचे जाते जाएंगे तो आपके शेल क्या होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। मींस आप देखेंगे इसमें एक ऐसे ग्रुप्स में फर्स्ट पीरियड में कितने एक ही शेल है, तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको और शेल मींस ज्यादा मिलते जाएंगे।
जैसे शेल ज्यादा होते जाएंगे मीन्स आपको मीन्स रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, आप जितने ज्यादा एटॉमिक साइज होगी उतना मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जितने मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एटम आपका साइज में कम होगा तो आप उसको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ देखें कि इसमें मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन्स है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है वो इससे ज्यादा करीब है, तो मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम रिमूव जब करेंगे तो इसको मीन्स हम क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। लेकिन जब आप इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो मीन्स इसमें इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी जितना इस एटम्स में होगा। मीन्स डाउन द ग्रुप्स जो इसका वेरिएशन होता है वो क्या होता है कि डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन क्या है कि वहाँ शेल आपके इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो हम उसको मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज क्यों होती है वो भी मैंने आपको रीजन बताया। इसका रीजन क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे एटम्स की इंक्रीज होती जाएगी तो हमें उस इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखें कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट्स की है पीरियड्स में और लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी एलिमेंट्स की है। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट्स की है। तो जैसे मैंने आपको फैक्टर्स में समझाया कि फैक्टर्स में आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट से आपका हाइड्रोजन और लास्ट में क्या होता है, हीलियम होता है। तो आप देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट आपकी पीरियड्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ देखें कि जब इंक्रीज हो रही है इस साइड से तो आपकी सबसे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, हीलियम की होगी। हीलियम की एक और मैं आपको दूसरी पॉइंट बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको फैक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको समझाया कि ज़्यादा जिसमें कि मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देखेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 करेंगे, मीन्स s में इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल हैं, तो जब ये क्या है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि यहाँ जब फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करने के लिए मीन्स इसी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हीलियम को होती है। ठीक है, तो आप ये तो समझ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की होती है, लेकिन सबसे कम किस एलिमेंट्स की होती है वो देखेंगे। यहाँ जब आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेकिन टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप इस साइड से देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला एलिमेंट्स होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो फर्स्ट सेकंड कौन सा होता है, लिथियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको आप फ्रांसियम या और एलिमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उस एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम देखें कि इस एलिमेंट की ज़्यादा मीन्स कम एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये दो आपने देख लिया कि सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होगी, लेकिन सबसे कम किसकी होगी, वो सीजियम की होगी। अब आप यहाँ एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो अब हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं। तो अब ये एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के होते हैं। देखें कि सेकंड पीरियड में हम जब आप जाएंगे तो सेकंड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है, उसके बाद आपका बेरिलियम है, उसके बाद बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरिन और नियन। देखें कि अब हमने ये जब हम इसका स्टेबल ऑर्डर निकालेंगे तो मींस लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मींस यहाँ देखेंगे इसकी इंक्रीज होगी, इससे ज़्यादा मींस आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, बेरिलियम की होगी और बेरिलियम की बोरान की होगी, और उसके बाद आप जैसे जैसे इस साइड से जाएंगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज
होती जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ और केसेस हैं, वो कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर पढ़ा तो उसमें क्या था कि जो सबसे ज़्यादा मीन्स स्टेबल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड होनी चाहिए, यहाँ उसकी हाफ फिल्ड होनी चाहिए। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 और 2s1। इसकी क्या है ये, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 और 2s2 होगी। मीन्स इसका क्या है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में, मीन्स इसे के लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है वो इसमें फुल फिल्ड है। लेकिन आप जब आप इस बोरान के पास जाएंगे तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और 2p1 होगी। तो देखें जब आप बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ क्या है कि इस एलिमेंट्स में मीन्स जब हमने बेरिलियम में देखा तो बेरिलियम में क्या थी कि यहाँ फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मीन्स लास्ट वाले इसमें फुल फिल्ड है, लेकिन यहाँ क्या है कि फुल फिल्ड नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी किससे कम होगी, बोरान से कम होगी, मीन्स ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। ज़्यादा क्यों होगी, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल, स्टेबल कैसे है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुल फिल्ड हैं ऐसे ऑर्बिटल्स में। यहाँ जब आपने बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वहाँ क्या है कि पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो फुल फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है, मीन्स के उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं देंगे जितनी हम एनर्जी देंगे बेरिलियम में। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो देखें कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 1s2 और 2s2। अब देखें कि यहाँ 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और रहते हैं। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम किस में फिल करेंगे, 2p3 में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो मीन्स पी के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मीन्स ये देखिए ऑर्बिटल्स हैं इसके 3 ऑर्बिटल्स, जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो मीन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव इसी तरीके से नहीं होगा। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको एनर्जी ज़्यादा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसकी जब आप देखें कि 1s2 और 2s2, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 2p4 करें। तो इसके जब ऑर्बिटल्स आप ऐसे करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो मीन्स ये क्या हो गया, ना तो हाफ फिल्ड है ना तो मीन्स फुल फिल्ड है। तो मीन्स सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नाइट्रोजन की है। क्यों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, उसका रीज़न क्या है कि ये हाफ फिल्ड है। तो मीन्स इससे मीन्स इस एटम में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए मीन्स नाइट्रोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है, किससे ज़्यादा एनर्जी है, ऑक्सीजन से। तो इसका जब आप ट्रेंड देखेंगे तो नाइट्रोजन कि ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को आप इस जगह पे रख सकते हैं। तो इसका क्या है, ये एक्सेप्शन है। और उसके बाद आप जब थर्ड पीरियड में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही एक एग्जांपल मिलेगा, उस एग्जांपल में क्या इसका रीज़न है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि पीरियड्स में भी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उसका ट्रेंड क्या है और ग्रुप्स में क्या है। अब हम एक और दो या एक क्वेश्चन एमसीक्यूज करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे रिलेटेड करते हैं। तो अब आप कंपेयर करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी,
किस एटम्स में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम में। अब देखें कि जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कर निकालेंगे, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो मीन्स ज़्यादा स्टेबल कौन सा एटम्स होगा, मीन्स ज़्यादा एनर्जी किस एलिमेंट्स में हम देखें। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका कितना एटॉमिक नंबर 7 है। जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव करेंगे तो ये ऑक्सीजन प्लस में हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 और 2s2 2p4। तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन से एक निकाला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। लेकिन जब हम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी मीन्स क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं। तो जब आप इसका करेंगे नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगी, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इस देखें 1s2 2s2 और 2p3। तो इस हिसाब से देखें कि मीन्स हमें ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो किस में देनी पड़ रही है, वो एन में दे नाइट्रोजन में देनी पड़ रही है। तो देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पी में हाफ फिल्ड भी नहीं है ना फुल फिल्ड भी नहीं है, मीन्स हम इसे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आप आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में हाफ फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस नाइट्रोजन से। तो जब आप इसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे तो मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, किससे? ऑक्सीजन से। तो जब आप इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे, मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो उसमें किस एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो देखें कि यहाँ ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मीन्स इस ऑक्सीजन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्यों 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही रिमूव कर दिया था। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो मीन्स इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगी और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन पे भी मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगी, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें कि इसमें से दो तो इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए। पहले आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ रही थी वो नाइट्रोजन में हम दे रहे थे, लेकिन इसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख से देखें कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसका टोटल पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8 थे। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 8। लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसका मीन्स अब जो एटॉमिक नंबर होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो 7 होंगे। तो इस 7 के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। मीन्स ऑक्सीजन अब हमें हाफ फील्ड में मिल रहा है। अब ऑक्सीजन किस में मिल रहा है, हाफ फील्ड में मिल रहा है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नाइट्रोजन की देखें, यहाँ मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 7 था। लेकिन हमने इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखें इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 हो गए। 2p2 क्यों हो गया? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर दिया। तो अब देखें कि इसमें पहले क्या था, हाफ फील्ड था, लेकिन अब ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। अब हम इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे जितनी हम ऑक्सीजन वाले एटम्स में मीन्स ज़्यादा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो
तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हम किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, वो लास्ट एग्जांपल हम करेंगे। तो अब हम सेकंड एग्जांपल में कंपेयर करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और वो एटम्स कौन से होंगे। एक तो आपका ये नाइट्रोजन होगा और उसके बाद सेकंड भी आपका एटम जो होगा वो नाइट्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन पे आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी हम किस एलिमेंट से, मीन्स किस एलिमेंट में ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जब हम करेंगे तो इससे आप जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन को जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, प्लस में वन इलेक्ट्रॉन हमने इससे रिमूव किया। लेकिन जब आप इस साइड से आएंगे तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मीन्स नाइट्रोजन पे टू पॉजिटिव चार्ज आएगी, प्लस में इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। अब देखें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस एलिमेंट में हमें, किस एटम्स में दे रहे हैं कि ज़्यादा एनर्जी रिमूव इलेक्ट्रॉन करने के लिए। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो देखें 1s2, 2s2 और 2p3 है, मीन्स ये क्या है, हाफ फिल्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। और जब हम इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका मीन्स एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसका पहले एटॉमिक नंबर 7 है लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2, 2s2, 2p2। अब यहाँ देखें आपको समझ रहे होंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा किस में है, फर्स्ट में है। क्यों फर्स्ट में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड है। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। क्यों गलत है, जब आप देखें कि इस एटम्स में हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगी। मैंने ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें हाफ फिल्ड है तो इसकी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ देखें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम पहले यहाँ दे चुके हैं। मीन्स हम अब यहाँ क्या करें, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करें, किस एटम की, इस एटम्स की। मीन्स हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करें, जो फर्स्ट से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो किस एटम्स में देनी पड़ेगी, इसमें देनी पड़ेगी। किससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस एलिमेंट से ज़्यादा देनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ देखें इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स हम पहले एक रिमूव कर चुके हैं, अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो मीन्स ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। जो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया था उसमें हमने क्या लिखा था कि फर्स्ट से मीन्स सेकंड में ज़्यादा होती है और सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिस लेक्चर में अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।